हाय दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जानेंगे हम लोग भी बेल्ट में, आप लोगों को जो दिखाऊंगा आज पूरा एक आईडी फैन और मोटर और भी बेल्ट। दोस्तों अगर हम लोग भी बेल्ट कभी अलाइनमेंट करने के लिए जाते हैं तो दो पुली को अलाइनमेंट करते हैं, एक जो बराबर फेस में रखते हैं, एक लाइन में। अगर भी बेल्ट पुली जो नहीं रहेगा तो ये क्या होगा दोस्तों, जब हाई आरपीएम में रनिंग होगा बेल्ट निकल जाएगा, नहीं तो टूटेगा, वाइब्रेशन होगा। आपको अभी जो दिखा रहा हूँ ये ड्राइविंग पुली है, मोटर में जो पुली लगा हुआ है ड्राइविंग पुली या ड्राइव पुली। दोस्तों भी बेल्ट का मदद से घुमाता है आईडी फैन का शाफ्ट, आईडी फैन का शाफ्ट में जो पुली लगा हुआ है ये हो गया ड्रिवन पुली। दोस्तों ड्राइव हो गया मोटर में जो लगा हुआ है ड्राइव, और ये हो गया ड्रिवन। ड्राइव क्या करता है, खुद घुमाने का साथ साथ दूसरों को भी बेल्ट का मदद से घुमाता है। दोस्तों आज हम जानेंगे डिटेल्स, भी बेल्ट आप लोग अलाइनमेंट करेंगे तो एक लाइन में दोनों पुली रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं डिटेल्स कुछ इमेज लिया हूँ, आप लोग ध्यान से वो इमेज को देखिए और मैं आप लोग को उसी में समझ में आ जाएगा अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट कैसे होता है। दोस्तों अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों कुछ वीडियो में आप लोग को दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। हाय दोस्तों, आप सबको स्वागत है फिर। दोस्तों आपको जो मैं बोर्ड में बताया जो पुल्ली और इसका बारे में, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो भी बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप एक मास्टर टेक्नीशियन में काम करते हैं, अगर एक फिटर में काम करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मेरा यही आप लोग को बोलने का मतलब है कि आप लोग का अंदर तो नॉलेज है दोस्तों, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो नॉलेज तो ज़रूर होगा। दोस्तों यही बोलने का मतलब है, आप लोग अगर कुछ और ज़्यादा थोड़ा जानेंगे तो और बढ़िया बात है। दोस्तों ये देखिए भी बेल्ट, ये वाला जो मेरा एरो का पॉइंट को देखिए, मेरा लैपटॉप में तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये वाला एरो का पॉइंट देखिए, ये जो एरो का पॉइंट है ये दोस्तों है बेल्ट, और ये हो गया मोटर जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, माउस चला रहा हूँ मैं, ये है ग्रीन का पॉइंट जो है मोटर का पुली, और ये हो गया और कोई भी एक गियर जिसको मोटर जिसको घुमा रहा है वो वाला पुली, ये हो गया ड्राइव, ये हो गया ड्रिवन, ये हो गया ड्राइवर, ये हो गया ड्रिवन। ड्राइव कौन किसको बोलते हैं, जो मोटर का साथ में जो शाफ्ट मोटर का शाफ्ट में जो पुली कनेक्टेड है, और मोटर जो घूम रहा है खुद घूम रहा है वो है ड्राइव, और जिसको घुमा रहा है वो है ड्रिवन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, देखिए एरो का पॉइंट में ड्राइविंग पुली इनपुट, ये हो गया ऊपर वाला हो गया बेल्ट, और नीचे हो गया ड्रिवन पुली आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट। और दोस्तों ये जो पुली है ये मोटर जो बेस में, मोटर जो ये जो नीचे में देखिए बेस, ये मोटर जो बेस में आप लोग बैठाएंगे वो पहले नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों नीट और क्लीन नहीं रहेगा तो मोटर बैठाएंगे मोटर लेबल में बैठेगा नहीं, जब मोटर लेबल में बैठेगा नहीं वो क्या होगा, लेबल में नहीं बैठने से वो बेल्ट दोनों जो भी ग्रुप होता है, ये जो देख रहे हैं ये जो ग्रुप है और इसका जो ग्रुप है ये बराबर नहीं रहेगा, बराबर एक लाइन में नहीं रहने का कारण और पुली टेपर बैठने का कारण वो बार बार निकलेगा। दोस्तों एक नेक्स्ट इमेज में दिखा रहा हूँ आप लोग को भी बेल्ट में कितना टाइप का मिस अलाइनमेंट होता है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को और थोड़ा ज़्यादा बेहतर पता हो जाएगा। आप लोग का अगर प्रॉब्लम ऐसा आप लोग का साइड में आएंगे तो आप लोग तुरंत उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए नेक्स्ट में इमेज आप लोग को दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए पुली में कितना टाइप का मिस अलाइनमेंट होता है। दोस्तों आप ये वाला देख सकते हैं ए, ये है ए बी सी और डी, ये देखिए ए टाइप में क्या है, तो एक तो पुली ठीक है, ये वाला पुली देखिए ठीक है, बट ये वाला जो देखिए मोटर वाला है वो मोटर क्या है लेबल में बैठा नहीं है, जब मोटर लेबल में बैठा नहीं है तो इसीलिए वो मिस अलाइनमेंट है। दोस्तों मोटर अगर इसमें सही बैठता लेबल में बैठता तो ये क्या होता है सही हो जाता। दोस्तों इसी में देखिए, इसी में क्या है मोटर आगे है, मतलब पैरालल मिस अलाइनमेंट है, ये मोटर को
इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोटर को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ता है। क्यों, ये जो पुली है और ये पुली है एक लाइन में नहीं है, समझ रहे हैं, एक लाइन में होना जरूरी था, इसीलिए ये गलत हो गया। दोस्तों ये वाला देखिए, सी वाला, सी में क्या है, पुली एक तो सही है, दूसरा वाला मोटर वाला क्या है, साइट एडजस्टिंग वो लोग सही से नहीं किया। साइट अगर परफेक्ट साइट एडजस्ट कर लेते, अगर लाइन डोरी ये वाला पॉइंट से और ये वाला पॉइंट से लाइन डोरी मैच कर लेते, आप लोगों को पता चला जाएगा लाइन डोरी जहाँ गैप आएगा वही हिसाब से मोटर अपोजिट से साइड एडजस्ट करके आप लोग उसको सही कर सकते हैं। ये वाला देखिए, डी वाला देखिए दोस्तों, डी वाला देखिए, ये वाला पुली देखिए, ये वाला पुली देखिए, एक ही लाइन में है, सीधा है, लाइन डोरी डालेंगे तो परफेक्ट होगा। और इसी को ही आप लोग जॉब भी काम करिए, मोटर को बढ़िया से लेबल में बैठाइए, तब तो आप लोग का काम 100% सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना, मैं सोचा था चलिए आज बेल्ट के बारे में बताएंगे, मेरा शायद यही उम्मीद है आप लोग पूरा समझ गए हों। दोस्तों अगर समझ गए तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एक लाइक कर दीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल का बेल आइकन है, मेरा चैनल का बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबा देने से जो नया नया वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जय जगन्नाथ।